श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर तीन उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए है, धन संपदा बढ़ाने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति या घर की समस्याएँ हैं वो दूर करने के लिए हैं। ये उपाय आप सभी उपाय ये हैं सोमवार के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि जो मासिक आती है, या फिर प्रदोष के दिन। तीनों ही दिन आप ये उपाय, जिस भी दिन आपको समय मिलता है उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। अगर आपका काम कोई है, मतलब आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, काम कोई अटक गया है, आपका नहीं पूरा हो रहा है, एक समस्या में फंस गए हैं और उसमें और उलझते ही चले जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं, समस्या खत्म नहीं हो रही है, डर लगता है किसी बात को लेकर के, भयभीत होते हैं या चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा आंकड़े का फूल, जिसे मदार का फूल भी कहते हैं। कौन सा? एक आता है सफ़ेद वाला, वो नहीं लेना है। जो गुलाबी रंग का आता है, नीले और गुलाबी रंग में इस तरह से, वो वाला आपको मदार यानी आंकड़े का फूल लेना है। और एक दीपक बनाना है, वो गोल बाती का बनाना है, घी का दीपक, गोल बाती का, चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर आटे का ले लें। एक दीपक ले ली, बना लिया, और साथ ही साथ आपको एक लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है। ये उपाय आप सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम कर सकते हैं। लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो महादेव के मंदिर की जो चौखट होती है शिवलिंग के बाहर, उस चौखट के पास आप जो दीपक एक ले गए हैं गोल बाती का, वो गोल बाती का दीपक अपनी समस्या, अपनी परेशानी, मन को याद करते हुए आपको वो दीपक वहाँ पर पहले जला करके रख देना है। चौखट पर दाहिनी तरफ दीपक रख दीजिएगा। अब आपको आगे जाना है शिवलिंग के पास। वहाँ पहुँच कर सबसे पहले जो एक लोटा जल ले गए हैं वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, अघोरेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ा देना सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आंकड़े का फूल यानी मदार का फूल आपने लिया है, दाहिने हाथ में रखना है, और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर टच कराना है। ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, वहाँ चढ़ाना नहीं, आपको हाथ में रखे बस टच कराना है। अपनी मनोकामना कहनी है कि मतलब ये जो समस्या है, नाम बोलना, गोत्र बोलना, अपनी परेशानी वहाँ पर कहना कि हमको डर लगता है, ये इस समस्या से बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ, बहुत उलझता जा रहा हूँ, जो भी कामना है वो कहना। उसके बाद उठा करके वो आंकड़े का फूल आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अंत में दोनों हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना मनोकामना कहनी है। इतना अचूक उपाय है कि शिव महापुराण के अनुसार आपकी मनो 3 घंटे में आपको इस उपाय में अंतर आना दिखना शुरू हो जाएगा। इतना आसान और अचूक उपाय है। अब आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है वो इच्छा पूर्ति के लिए है। कोई मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है। घर की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए आपको ये उपाय करना है। मुख्य रूप से तो कोई मनोकामना है तो उसके लिए आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको एक 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 वाला, ये उपाय है आसान सा। लेना होगा सबसे पहले एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ लेनी होगी एक चावल। चावल टूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। अक्षत यानी जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। एक चावल ले लिया। अगला लेना होगा आपको एक सफ़ेद फूल, और वो सफ़ेद फूल ध्यान रखिएगा कोई भी सफ़ेद फूल है, लेकिन केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको गो हत्या का पाप लगता है। तो केतकी का फूल छोड़ कोई भी सफ़ेद फूल ले लेना, एक ही सफ़ेद फूल चाहिए होगा। 3 सामग्री हो गई। अब एक लोटा आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, और सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह करें, प्रदोष काल में चाहें तो प्रदोष काल में करें। बस ये उपाय आपको 5 सोमवार को अगर कर रहे हैं तो 5 सोमवार लगातार करना है। शिवरात्रि में कर रहे हैं तो शिवरात्रि करें, प्रदोष में कर रहे हैं तो वो करें। जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपने एक लोटा जल लिया हुआ है उसमें आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और जो अक्षत आपने लिया है उसी में डाल देना है।
उसके बाद जो फूल सफ़ेद वाला लिया है उसमें अपनी मनोकामना कहनी है, जो इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना कहते हुए सफ़ेद फूल भी आपको उसी उसमें डाल देने हैं, और जो बेलपत्र लिया हुआ है वो भी आपको उसी लोटे में डाल देना है, और अपने कुल देवी देवता का स्मरण करना है, जो भी आपके देवी देवता हैं उनका स्मरण करना है, और फिर आपको सारा जल जो है वो आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरह से क्रम का ध्यान रखना है, चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान तक एक ही धार में रुकना नहीं है, लेकर के जाना है, माता अशोक सुंदरी के पास वो जल खत्म हो जाना चाहिए, इस तरह से चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर से वहाँ तक का बस एक धार में चढ़ाना है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो दोनों हाथ अपने फैलाने हैं, दोनों हाथ फैलाते हुए अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है, पांच सोमवार करके लगातार या पांच शिवरात्रि या पांच प्रदोष करके देख लेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय भी आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं या फिर और भी प्रदोष तिथि शिवरात्रि किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको लेने होंगे काले तिल, कितने आधी मुट्ठी के करीब काले तिल आपको चाहिए होंगे। इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं? अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की समस्याओं को दूर करने के लिए, साथ ही घर के सदस्यों की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए, और अगर धन की हानि बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ ना कुछ करके धन आपके घर से जा ही रहा है, तब आपको ये उपाय करना है। आधी मुट्ठी के करीब काले तिल आपको लेने हैं, उसको एक कटोरी में रखना काले तिल, और उसको पानी से भिगो देना है अच्छी प्रकार से, कुछ देर भिगोए ही रखना है जब तक कि वो चावल आपके काले तिल फूल नहीं जाते हैं। जब फूल जाएंगे काले तिल भिगोने के बाद में, तब आपको पानी उसका हटा देना है और सिर्फ कटोरी में काले तिल लेना है जो आपको बचे हुए हैं। एक दीपक तैयार करना गोल लंबी बाती का, घी का दीपक रहेगा, लंबी बाती का आपको तैयार करके रख लेना है। अब एक कटोरी अपने दाहिने हाथ में रख के आपको पूरे घर में अपने हर कोने में, हर जगह पर, हर कमरे में घूम जाना है कटोरी लेकर के, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, ठीक है। घूम गए, अब आपका जहाँ घर पे मटका रखा रहता है उस स्थान पे आना है, या आरओ जहाँ पानी का स्थान होता है उस स्थान पे आना है, और वो कटोरी तिल आपको वहाँ पर रख देना है, और एक लंबी बाती का दीपक जला देना है, दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रख देना है। रात्रि में आपको ये करना है, शाम को रात्रि में आप कर देना जो भी है, उसके बाद पूरी रात्रि में वो पड़ा रहने देना है, आपको वैसे ही वहीं पर रखा रहने देना है। अगली सुबह नहा धोने के बाद में वो सामग्री उठानी है, आपको वो काला तिल एक लोटे में डालना है और बाकी बचा हुआ पूरा लोटा जल से भर लेना है अपने घर के, ठीक है। इतना काम किया है, तिल डाल लिया है जो भी था, और उसके बाद लोटे में जल डाल लिया, और ये जल आपको तीन जगह पे चढ़ाना है। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले तो जाना है आपको वट वृक्ष के नीचे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है, वट केश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना, अपनी मनोकामना, अपनी परिवार की समस्या दूर हो ऐसी कामना प्रार्थना करनी, और आगे अगला आपको दूसरी जगह चढ़ाना है पीपल के पेड़ के पास, वहाँ भी आपको पिपलेश्वर महादेव को स्मरण करना है, उनका नाम लेते हुए जल चढ़ा देना और अपनी मनोकामना, अपनी जो परेशानी है वो कह देना है। तीसरा स्थान होगा बेल पेड़ के पास, आपको जाना है बेल पेड़ के पास, तीसरा जल चढ़ाना है, और आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है या फिर काशी विश्वनाथ के नाम से वो जल चढ़ा देना है। अंत में अपने घर की परेशानी दूर करने के लिए, कामना दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि परेशानी समस्या दूर हो, सदस्यों की उन्नति हो, धन की हानि बंद हो जाए, ऐसी कामना करनी है, आपकी वो कामना पूर्ण होकर ही रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।